खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उनकी जायज मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए 19 व 20 जुलाई तक सामूहिक अवकाश के साथ यदि मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई से नवगठित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी। उपरोक्त विषय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के निर्देश पर 12 जुलाई को समस्त संगठन द्वारा 7 दिन में कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था और चेतावनी भी दी गई थी कि यदि 7 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदि को जिला पंचायत के सभी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रेषित किए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक शासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई, ना कोई मांगों का निराकरण किया गया। ऐसी दशा में राज्य इकाई के आह्वान पर 19 और 20 जुलाई को प्रथम चरण में सामूहिक अवकाश एवं 22 जुलाई से सामूहिक अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जाएगी। फिर नवगठित संयुक्त मोर्चा संगठन आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। शासन को हम लोगों ने प्रेषित की है संयुक्त मोर्चा के तहत, सभी की अलग अलग मांगे हैं। संयुक्त मोर्चा में जो भी हमारे संगठन सब शामिल हैं, हमारी मांगों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 12 तारीख को सभी लोगों को सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन उसके उपरांत भी अभी तक हम लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है, ना ही कुछ आगे कार्रवाई की गई है। इसलिए हम ही सब लोगों ने मिलकर आज से सामूहिक अवकाश लेकर, आज का 2 दिन का लेकर, आगे से 22 तारीख अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग बाधित हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 2 दिन का समय दिया है शासन को, हम लोग सामूहिक अवकाश लेंगे, इसके बाद हम लोग 22 तारीख अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। उनका ज्ञापन 12 तारीख को प्रशासन को दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर विचार किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक उस पर विचार नहीं किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 7 दिन पूर्ण होने पर आज और कल 2 दिन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी छुट्टी का अवकाश पर हैं और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।